हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 88 पोर्टल आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, या क्या विशेष परिवर्तन, कौन से विशेष परिवर्तन आपके लिए लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 88 पोर्टल आपके लिए कौन सी बड़ी ब्लेसिंग और कौन से विशेष परिवर्तनों को लेकर आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। गुड फॉर्चून, ओके। पहला कार्ड आया है इनवाइट मैजिक इन गाइस, आपके हाथ में ही मैजिक की छड़ी है। आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आपके विचार करने पर डिपेंड करता है गाइस। सक्सेस की सीढ़ियाँ प्राप्त करना चाहते हो या जो कुछ भी चाहते हो, या अपनी लाइफ में किसी विशेष मिरेकल के लिए आप उम्मीद करके बैठे हो ना, यही कहा जा रहा है कि 88 पोर्टल आपके लिए आपके कर्मों का एक इतना अच्छा फल लेकर आ रहा है कि आपके लिए गुड फॉर्चून ही होगा गाइस, कि जो आप चाहते हो वो चाहा हुआ आपको मिल जाना गाइस। क्योंकि यहाँ पर इनके हाथ में ना मैजिक की छड़ी है, और यही कहा जा रहा है कि बस वो छड़ी घूमने तक की देरी है। यहाँ पर आपका भाग्य भी साथ दे रहा है गाइस, और ये बात आपके लिए पक्का है कि आपकी लाइफ में मिरेकल बनना लिखा हुआ है, बिल्कुल डेफिनेटली है। और ये 88 पोर्टल डेफिनेटली आपके लिए कोई मिरेकल को बनाएगा ही बनाएगा गाइस। यहाँ पर सबसे पहला कहाँ जा रहा है, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं तो ये कहाँ ये बता रहे हैं कि अगर काम में उतार चढ़ाव चल रहे हैं या लाइफ में किसी प्रकार के उतार चढ़ाव इस प्रकार को देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर आपको फैसले लेने में दिक्कत हो रही है या फिर आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हो ना, उसको लेकर एक क्लैरिटी मिलेगी गाइस। उसको लेकर या कैरियर को लेकर या जो भी बात है ना, जहाँ उतार चढ़ाव लग रहा है वहाँ पर चीज़ें सुधरती हुई नज़र आएगी। और जहाँ फिनेंशियल मैटर की बात करें तो एक तरक्की की राह पर आप आगे बढ़ते हुए, ये आपके थॉट के आधार पर होगा या आपके आइडिया के आधार पर होगा, या आपने मैनिफेस्टेशन की है इस बारे में तो उसको लेकर होगा। यानी भाग्य का साथ देने के लिए बहाने क्रिएट होंगे गाइस, है ना, कि किसी भी प्रकार से आप जिस भी काम में हाथ डालो उसमें आपका आपको सक्सेस मिले। यहाँ पर सफलता के बारे में, सक्सेस के बारे में कहा जा रहा है कि आपको सक्सेस अच्छी मिलना गाइस, और मन की शांति बहुत अच्छी होना। आप जिस भी बात पर फोकस करोगे ना, मतलब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। 88 का मतलब भी यही है, कर्मा। अब यहाँ कर्मा आपकी सोच को लेकर है कि आपकी सोच जैसा कर्मा बनाएगी, है ना। आपकी एनर्जी नेगेटिव थॉट भी हो सकता है, पॉजिटिव थॉट भी हो सकता है, किस बात पर आपकी एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस में जाती है। अगर आपका ध्यान पॉजिटिविटी पर जाएगा तो लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी गाइस, है ना। तो अनजाने में कभी कभार बैठे बैठे हो जाता है कि नेगेटिव थिंक आ जाते हैं या पास्ट की एनर्जी हावी होने की कोशिश करते हैं, इल्यूजन। क्योंकि जब शफल कर रही थी ना तो इल्यूजन का कार्ड भी दिखा था। तो डेफिनेटली गाइस, जब अच्छी चीज़ें लाइफ में आने लगती है ना, तब एक कहीं इसे उठ करना एक बुरा थॉट, पता नहीं कितने कितने ही सालों और 100 वर्षों पहले का ना एक थॉट उठ कर आ जाता है, जो बड़ा नेगेटिव होता है, बहुत बुरा होता है। उस चीज़ को डिनाई करना, उस चीज़ को इग्नोर करना कि उस थॉट का अब मेरी लाइफ में कोई स्थान नहीं है, मेरी लाइफ में सिर्फ गुड फॉर्चून और पॉजिटिविटी का स्थान है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब कभी भी लगे ना कि पास्ट की एनर्जी दिमाग पर हावी होने लग रही है, तब थोड़ा ध्यान चेंज करने की कोशिश करना और सिर्फ सकारात्मक सोचना। सोच ना पाओ तो बोलना, बोल ना पाओ तो कुछ, या कोई ऐसे अच्छे वीडियो देखना गाइस, है ना, या अच्छे गाने सुनना जो आपको पॉजिटिविटी से भर दे। बस इतना भर तक मैं कर लेना गाइस, ये वाकई में मैजिक की छड़ी घूमे जैसा होगा। आप खुद देखोगे 88 पोर्टल के बाद में कि आप जो अच्छा सोच रहे हो ना वो जल्दी से पूरा हो रहा है, और इन्हीं दौरान 88 पोर्टल ना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है, ये तरक्की बता रहा है गाइस, ये प्रोग्रेस बता रहा है 88 पोर्टल। ये एक्चुअल में 8 का मतलब भी यही है, अबंडेंस, है ना, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आना,
आपने पहले मेहनत बहुत ज्यादा की है, तब आपका किस्मत आपका साथ नहीं दिया, तब आपकी मेहनत का किया हुआ परिणाम आपको अच्छा शुभ रूप में नहीं मिला। जहाँ कहीं ना कहीं दिल परेशान होता है ना, कितनी मेहनत करने पर भी किसी इंसान को अच्छा कुछ प्राप्त ना हो तो एक बार मनोबल टूटने लगता है। लेकिन यहाँ पर मनोबल को फिर से जोड़ा जाएगा, आपको आगे बढ़ाया जाएगा, आपको खुशी लाकर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने पहले मेहनत की, और ये समय जो है ना, ये भाग्य का साथ लेकर आ रहा है, गुड फॉर्चून लेकर आ रहा है, कि पहले की हुई मेहनत का ना अब किसी भी प्रकार से ना रिवॉर्ड लेकर आना है ना। कहाँ ना ट्रांसफॉर्मेशन है, मिरेकल है, मैजिक की छड़ी घूम रही है, कहाँ हुआ फल रहा है। और ये यहाँ पर न्याय दिल में एक गहरी आह है और एक गहरी इच्छा है। मालिक सक्सेस मिले, सब कुछ मिले मुझे, ठीक है, मैं साथ में न्याय भी चाहती हूँ। क्योंकि एक मन में है गाइस आपके, कि मतलब जैसे एक होता ना, किसी इंसान का दिल बहुत बुरी तरीके से दर्द में हो जाता है ना, एक आह निकलती है कि मालिक जस्टिस तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। और 88 नंबर है गाइस, ये केवल एक ही चीज को लेकर या एक ही बात को लेकर नहीं है कि आपकी तरक्की, आपकी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को लेकर बात कही जा रही है, ये काफी सारे हिस्सों को प्रभावित करेगी गाइस, आपके आपके जीवन के काफी सारे हिस्सों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है ये। मतलब सच कहूँ ना गाइस, ऐसे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट को बनाती है, ऐसे सडन आपको कुछ लाभ प्रदान करती है, जो कहा ना कि ऐसा लगता है कि गुड फॉर्चून। एक्चुअल में ये एनर्जी ना थोड़ी, अगर कोई इंसान अच्छा कर्म करता है तो उस आधार पर उसको परिणाम ला कर देती है। इस एनर्जी का प्रभाव, 8 की एनर्जी का प्रभाव अच्छे में भी जाता है, बुरे में भी जाता है। लेकिन यहाँ पर अच्छे के बारे में क्यों आया है, यहाँ पर अच्छे के बारे में कि किसी के कर्म खराब तो नहीं है। पहला ही कार्ड गुड फॉर्चून का आया और मैजिक को इन्वाइट करने के बारे में, यानी आपके हाथ में है मैजिक को इन्वाइट करना, यानी आप वो ऊर्जा हो जो यूँ समझ लो कि सामने से कोई कह रहा है ना, कि बेटा क्या चाहिए आपको, और आप कह रहे हो मुझे ये चाहिए मालिक, लो बेटा ये गुड फॉर्चून, मतलब कर्मा अच्छा बना हुआ है किसी का, वरना पहला कार्ड ये नहीं आता। तो कहा ना, ये एनर्जी का बहुत बुरा इफेक्ट भी होता है और बहुत अच्छा इफेक्ट भी होता है। जैसे कर्मा दो तरीके के होते हैं, अच्छे और बुरे। अब जिसने जैसा कर्मा किया वैसा फल, है ना, समझ रहे हो ना, इसकी गंभीरता को समझो, और इतने ही गंभीर आप अपनी लाइफ को लेकर होंगे। मतलब टेंशन वाले हिसाब से नहीं गाइस, जैसे एक वो साहस का इतना भर जाना कि एक्शन लेने में आपको बहुत आसानी रहे, आपके फैसले लेने में आपको बहुत आसानी रहे, और उतनी ही मदद मालिक के द्वारा आपको मिलेगा गाइस। आप टारगेट बनाओगे, बड़े फैसले लोगे गाइस 88 पोर्टल में, कि आपको क्या करना है अभी, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी प्राथमिकता क्या है, मुझे किस पर अपना फोकस सबसे ज्यादा लगाना है, उस बात का चयन करके उस पर वर्क करोगे और वो फैसले आपके सही जाएंगे गाइस। अभी आपकी विजडम है ना, ये आपको बहुत मदद करने वाली है। अभी आपका व्यक्तित्व का वो रूप उभर कर आएगा जहां पर आप खुद कहोगे कि ये परिस्थितियां अगर ऐसी नहीं बनी होती ना, तो आप इस रूप में नहीं आ पाते। अपने आप में लॉयन वाली एनर्जी आप फील करोगे गाइस, क्योंकि 8 नंबर जो है ना, ये आपकी एनर्जी से भी आपको मिलवाएगा, आपको काफी सारे डर से, खौफ से बाहर निकाल देगा। मतलब एक होता है ना कि कोई इंसान अगर रेस्पॉन्सिबल हो जाता है ना, तो उनमें ना तो किसी प्रकार की झिझक रहती है, ना किसी प्रकार का एक एक डर रहता है गाइस, डर खत्म हो जाते हैं, सिर्फ दिखती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो निभानी है, वो निभानी। केवल पता नहीं क्यों आपके लिए ना एक यही चीज दिख रही है गाइस, निस्वार्थ बहुत हो और नियत बहुत पाक है। अब देखो ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन, तो ये परिणाम कितना अच्छा लेकर आएगा, ये तो गुड फॉर्चून ही बनाएगा ना। कर भला तो हो भला, है ना, अगर कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी, तेरी बाह पकड़ने को वो वेश बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ये देखना तरक्की कितनी अच्छी मिलती है, सक्सेस कितनी अच्छी मिलती है। और अब ना केवल 88 पोर्टल की बात कही जा रही है गाइस, ये एक होता ना कि एक राह को पकड़ लेना, जैसे आपने कोई राह को पकड़ लिया,
तो समय ने आपके लिए एक अच्छे भाग्य की राह को पकड़ लिया है। तो अब से आपकी लाइफ का एक नया पोर्टल, एक नया चैप्टर कह लो, ऐसे न केवल पोर्टल की बात है। अगस्त का महीना आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा गाइस, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। चीजें बहुत सारी बदल जाएगी गाइस, मेजर चेंजेस की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि गुड फॉर्चून है ये एक बुरी नकारात्मकता से आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। कोई बुरी चीजें छूटेगी गाइस, लेकिन वो उसका आपके दिल पर, आपके जज्बातों पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजों पर आप भी चाहते हो रियायत, है ना, कुछ चीजों पर आप भी चाहते हो बरी होना, आगे बढ़ना, और वही चीजें हो रही है जो आप डिसर्व करते हो गाइस, जो आपके लिए आप बढ़ती हो उनके लिए, है ना। मतलब आपकी पर्सनैलिटी किन चीजों को डिजर्व करती है, वो धीरे धीरे करके समय आपके लिए लेकर आ रहा है, जो सच कहूँ ना, आपने अपने लिए कभी नहीं सोची है कि मैं इन चीजों को डिजर्व करती हूँ, मैं इन खुशियों को डिजर्व करता हूँ क्या। हाँ जी बिल्कुल, है ना, मालिक का प्यारा बच्चा होता है ना, मालिक वाकई में किसी बच्चे की उम्मीद से ज्यादा उनको देते हैं। ये अभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये ग्रेट फॉर्चून जो है ना, ये मैजिक जो है ना, ये आपकी लाइफ में शीघ्रता से, तीव्र गति से आ रहा है, क्योंकि 8 की एनर्जी है गाइस, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स आता है ना, वो भी शीघ्रता की बात करता है, वो भी 8 की एनर्जी है। और वैंड्स मैजिक की छड़ी कह लो, ये कह लो, है ना, एक वैंड जैसा ही है जो इनके हाथ में है, और 8 ऑफ वैंड जो अपने आप में शीघ्रता की बात करता है ना, और छड़ी तो इनके हाथ में है ही। इसका मतलब क्या, खुशखबरी के लिए रेडी रहना, जिस भी बात को लेकर, कि इस बात को लेकर खुशखबरी तो एक मिरेकल से कम नहीं है, तो हाँ जी वो उस मिरेकल के लिए रेडी रहना, है ना, वो मिरेकल तो आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, एक जस्टिस और एक जजमेंट के साथ, तो एक धमाकेदार चेंज के लिए ना रेडी रहना, ठीक है। कुछ चीज़ों का आप वेट नहीं कर रहे, अब अच्छे से सुनना, अपनी लाइफ की खुशियों के लिए जितना बेसब्र आप नहीं हो, उससे कहीं गुना ज़्यादा बेसब्र समय आपके लिए है गाइस, खुशियाँ आपके लिए है कि वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे, है ना। तो अब वेट मत करना, अब देखना, है ना, अब कुछ चीज़ों का बहुत बड़ा खेल पलटने वाला है। शांत रहना, सुखी रहने की कोशिश करना, क्या अच्छा परिवर्तन होता है वो देखना। आर्कएंजल गैब्रियल, इनके बारे में सुना है, कितनी बार बताया मैंने। आर्कएंजल गैब्रियल कहते हैं कि ये मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप के हैं, ये एक बच्चे में उम्मीद भरते हैं। उम्मीद किस बात की, जैसा यहाँ पर पहला कार्ड कहता है गुड फॉर्चून। गुड फॉर्चून का मतलब क्या है कि अब किसी बच्चे को ये कहने की आवश्यकता कहाँ है कि आपकी किस्मत अच्छी है और आपका भाग्य आपका साथ देगा। एक बच्चे का ना विश्वास उठ गया, मेहनत साथ नहीं देती है, लोग साथ नहीं देते हैं, मालिक साथ नहीं दे रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, यही चीजें ना। पर इनका बदलता हुआ रूप आप देखना का है ना, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके आप जिनको मानते हो, मालिक के जिस भी रूप को आप पूजते हो ना, ध्याते हो, वो आपका साथ देंगे, आपकी किस्मत आपका साथ देगी, लोग आपका साथ देंगे, आपके हक की खुशियां आप तक किस प्रकार पहुंचती है, इसकी व्यवस्था आर्कएंजल गैब्रियल करते हैं। वो रास्ते बनाते हैं कि कोई खुशी आप यहाँ हो और कोई खुशी यहाँ पर है, और 100 अड़ंगे डालने वाले लोग हैं ना, तो आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरी खुशी है हक की, ये मुझ तक कैसे पहुंचेगी, इसकी व्यवस्था आर्कएंजल गैब्रियल खुद करते हैं, है ना, क्योंकि इनका काम है आपकी आत्मा को संतुष्ट करना, आपकी आत्मा को खुश करना। आपके नसीब की चीजें अगर कहीं रुकी पड़ी है या कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, तो बाधाओं को दूर करके आप तक वो पहुंचाना। कार्ड्स को समझने की कोशिश करो, इन दिनों में बच्चे या तो आपके
पास आना, नजदीक आना बहुत पसंद कर रही हैं। आपको देखते ही अपने आप से सामने से मुस्कुरा रहे हैं। कहीं पर भी बाहर जाओ, अनजान बच्चे भी हो तो वो एक मुस्कुराहट दे रहे हैं, एक स्माइल दे रहे हैं। हाँ, या फिर आपको सपने में बच्चे दिख रहे हैं, या कहीं बैठे हो, छत पर ही बैठे हो, कहीं पर भी बैठो, बच्चों की खिलखिलाने की, हंसने की आवाज़ें आप तक पहुँच रही है। थोड़ा नॉर्मल दिनों से ना थोड़ा अलग आपको फील हो रहा है ना, कि ये एक संकेत तो मुझे मिल रहा है, या सपने में बच्ची का दिखना। हाँ, ये बहुत शुभ संकेत है गाइस। आप कहोगे कि मैम ये चीज़ें हमारे साथ बहुत लंबे समय से हो रही है, पर अभी तक तो इसका कोई अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिला। तो एक बात कहूँ गाइस, बुरी चीज़ें होती है ना, बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन उन्हीं चीज़ों में सुधार करने में समय लगता है ना। तो कुछ चीज़ें खराब हुई, कुछ चीज़ें बिगड़ी ना, उनमें समय नहीं लगा, लेकिन ये कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होकर ब्लेसिंग के रूप में या आपके हक की खुशी के रूप में आप तक पहुंच रहे, उसका डिवाइन टाइम चल रहा है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो आने में ये संकेत क्यों दिए जा रहे हैं कि आपको एक होप दी जाती है कि बेटा यहाँ पर रुके रहना, है ना, आपकी ब्लेसिंग यहाँ पर है। 100 कोई रोड़े रुकावट डाल रहे हैं ना, आप चिंता नहीं करना, हताश मत होना, बिलीव रखना, ये ब्लेसिंग आप तक पहुँचेगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्रस्ट रखना है, इतना कर सकते हो। हाँ, वहां पर उस स्थिति में अगर अटका कर रखा है तो उसका रीजन यही है। कुछ चीजें धीरे धीरे अनफोल्ड होती है मेरे शेर, उस समय मालिक की योजनाओं को नहीं समझ पाते, हम बहुत शिकायत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे उन शिकायतों से मालिक गुस्सा हो जाए, क्या बच्चे ने इतनी शिकायत कर दी, अब तो अच्छा नहीं करना, ऐसा नहीं है। वो मालिक है, वो परमात्मा है, वो दर्द को जानते हैं कि किस दर्द में बच्चे ने किस प्रकार से शिकायत की है। तो वो भी एक अपनापन का भाव है, शिकायत किससे करते हैं, है ना, जो अपना हो, जहाँ पर हम जानते हैं कि मेरी शिकायत करने से सामने वाला समझ जाएगा मेरे दिल में क्या दर्द है, और वो अच्छे से समझता है आपके हर भाव को, प्रेम भाव को, बालपन वाले भाव को, सब सब भाव जो किसी ने नहीं समझे ना, वो मालिक समझते हैं। इस वजह से जितना मन से, भावों से ना मालिक के सामने ना ओपन हो सकते हैं ना, उतना किसी के सामने ओपन नहीं होना। जो भी दर्द है मालिक के साथ शेयर करो, है ना, कि मालिक ये चीज है। जैसे हम किसी मित्र को कैसे कहते हैं, है ना, कि मेरे दिल में ये तकलीफ है, और एकदम से रोना आ जाता है, ठीक कर देता है, बिल्कुल वैसे कुछ अच्छा हुआ तो बिल्कुल कि मालिक मेरी लाइफ में आज ये अच्छा हुआ, मुझे आपकी वजह से ये खुशी मिली, थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, है ना, ये कहने में क्या फर्क पड़ता है ये ऊर्जा गाय जो हमें ये महसूस करवाते, वो हमारे साथ हैं। तो आर के एंजल कैब्रियल आपकी खुशी आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, तो यही तो मिरेकल बन रहा है गाइस, ये तो गुड फॉर्चून है। बड़ी ब्लेसिंग के लिए रेडी रहना, देखना कितनी बड़ी ब्लेसिंग आपकी झोली में आकर ऐसे सडनली आपको मिलती है, देखना वो चक्के रह जाओगे, ये क्या मालिक, कभी कुछ मिला ही नहीं, और अब मिला है तो बहुत अच्छा मिला है। एक साथ चीज़ें घूमेगी गाइस, देखना, क्योंकि यहाँ पर ये एक कार्ड है ना, ये मतलब ये फोकस में ही रख रहा है खुद को, इससे ध्यान भटकाने की कोशिश होने नहीं दे रहा, मैं सच्ची कह रही हूँ गाइस, ये कह रहा है एक साथ कई सारी चीज़ें बदलेगी, देखना। आप सच में आपके मन में ना गुनगुनाने वाले भाव, गाना गाने वाले भाव, खुश रहने वाले भाव, ये 88 पोर्टल में देख लेना आप, कि हाँ मैं थोड़ी खुश रही, मेरे में चंचलता आ रही, मन का सुकून फील हो रहा है, और अपने आप महसूस होएगा कि हाँ लाइफ अच्छी होने जा रही है। एक साथ देखना, कहीं से जस्टिस की खबर सुनने को मिलेगी, कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिसको सुनने के लिए कान तरस रहे हैं, किसी कॉल का इंतजार कर रहे हो, किसी मैसेज का इंतजार कर रहे हो, सडन आएगा, देखना अरे ये क्या, मैंने नहीं सोचा था, और ये आया, ये हुआ, है ना, ये चीजें का ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हो सकता है, शिफ्ट कर लो आप, या शिफ्ट करने के बारे में किसी के तो दिमाग में है, मकान के को लेकर ना, घर को लेकर है, और ये मैसेज काफी समय से आ रहा है, किसी के दिमाग में है शिफ्ट करना है, ये हो जाएगा, चिंता नहीं करो, आपने जैसा सोचा है ना उससे बेहतर तरीके से होगा, सब कुछ होगा गाइस, है ना, चिंता नहीं करना। ड्रैगन, सॉरी, लेजेंड,
लोग आपसे इंस्पायर बहुत होंगे गाइस, क्योंकि आपके एक्शन बड़े ना बड़े होंगे वाकई में। यही चीज होगी गाइस कि आपके एक्शन को देखकर आपकी मतलब ऊर्जा जो है ना गाइस, या आपकी एज से परे आप कोई काम कर रहे हो ऐसा लग रहा है, या फिर कहते हैं ना कि स्टार्टिंग से जीरो से एक नई शुरुआत करो, कुछ ऐसा लग रहा है गाइस जो थोड़ा भिन्न है। जैसे एक होता है ना कि आम लोगों के लिए ऐसे एक्शन लेना या इस उम्र में या ऐसी परिस्थितियों में एक्शन लेना एक नॉर्मल बात नहीं होती, बहुत जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि कहीं कहीं पर आपके हालात ना आर और पार वाले हैं। ऐसे हालात आपकी लाइफ में बने हुए हैं, जैसा कहा ना कि एक तो इस मुझे नहीं लगता कि या तो आपकी एज ज़्यादा है या फिर मतलब कुछ ऐसा विशेष है गाइस, जो जिस तरीके से आप सहन कर रहे हो या जिस स्थिति में आपका किसी बात में एक्शन लेना हो रहा है ना, ये नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है गाइस। बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी पड़ती है, और इतनी हिम्मत रखकर आप आगे बढ़ो, और वहाँ पर भी जैसे एक ज़ीरो वाली स्थिति, उससे आगे बढ़ना इस टाइम में बहुत मुश्किल है गाइस। कहना कितना आसान है, लेकिन जो बंदा एक्शन ले रहा है ना, उनको पता है कि अगर थोड़ी सी चूक हो गई ना तो ये लाइफ के लिए सही नहीं होगी। लेकिन उसके बाद में भी मालिक पर बिलीव करते हुए और खुद पर बिलीव करते हुए, सबसे बड़ी बात यही है गाइस कि मालिक पर और खुद पर बिलीव करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो, कि परेशानी में तो वैसे भी है, तो क्यों ना इस परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी के दिमाग में यह है कि किनारे पर बैठकर सोच विचार करते रहने से कुछ भी नहीं होगा, है ना, एक बार तैर कर पार करने की आवश्यकता जरूरी है ना। ये थॉट किसी के मन में रख, केवल सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा, बार बार डिले में जाने से चीज़ें ठीक नहीं होगी। और यहाँ पर ये एनर्जी का ऐसे कहती है कि ऐसा सपोर्ट भी आना, वाटर की एनर्जी भी है, साथ में काफ़ी सारी फिश भी है और फ्लावर भी है गाइस, जो अबंडेंस के बारे में बात करते हैं, कि अगर पैसों के आधार पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो या कोई ऐसा लाइफ का फैसला कि ये फैसला लेने के बाद में ही मुझे सुकून आएगा, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, उन चीज़ों को लेकर है गाइस। हालात आप अपने आधार पर बदलना चाहते हो, क्योंकि मैजिक की छड़ी हाथ में, कहा ना ये कार्ड ना आज मुझे मेरा ध्यान इधर उधर नहीं होने दे रहा, ये अपने पर फोकस करवा रहा है गाइस। इसका मतलब समझने की कोशिश करना, आपके ही हाथ में मैजिक की छड़ी है, आप जो चाहते हो वो पा सकते हो, है ना। कहा ना कि ये समझ लेना कि इन दिनों में कि कोई ऐसी ऊर्जा आपके साथ है जो कह रही है बोलो बेटा क्या चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा, तो अच्छा ही बोलना अपने लिए, अच्छा ही विचार करना। और अभी देखना गाइस, अभी एक परिवर्तन आप में खुद में देखने को मिलेगा। क्या जब गुस्से का लेवल बहुत हाई हो जाता है ना, तब कितना गलत निकलता है मुंह से खुद के लिए, वो चीज नहीं होगी आपके साथ। अगर मान लो सपोज ऐसी स्थिति बन जाए कि गुस्सा आ जाए कभी, क्योंकि हो जाता है कभी कभी ना, ऊर्जा उतार चढ़ाव में आ जाती है, तो अगर गुस्सा भी आ गया ना, तो देखना आप अपनी किस्मत और खुद के बारे में कतई गलत नहीं बोलोगे, बहुत अच्छा बोलोगे, इतना गुस्से के लेवल में अच्छा बोल जाओगे, और हाथों हाथ गुस्सा शांत और मुस्कुराओगे। यही चीज होगी कि माने वाकई में ये परिवर्तन, और अगर ये चीज महसूस हो वाकई में, अगर ये होना, समझ लो प्रॉब्लम खत्म, आप लाइफ में आगे बढ़ गए। ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी किस्मत और आपका भाग्य आपका साथ दे रही है। आपके हाथ में गुस्सा होना, आपके हाथ में दुखी होना, आपके हाथ में सुखी होना, लेकिन हमें सिर्फ सुखी होना है, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है सुख भोगने का। दुख बहुत भोग लिए, बाय बाय कर दिया उनको, है ना, उसका दरवाजा बंद कर दिया मालिक ने, अब आगे बढ़ना, आप आदर्श बनोगे लोगों के, देखना। क्योंकि कहा ना, जिस परिस्थिति में आपके द्वारा जो फैसला लिया जा रहा है ना, वो सच कहूँ गाइस, आपकी एज से बड़े बड़े या फिर जिनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके लिए भी ऐसे फैसले लेना और जीरो से स्टार्टिंग करना नामुमकिन होता है, लेकिन आपके पास स्थितियों ने इसके अलावा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। और यहाँ पर कहा ना कि या तो गलत सिचुएशन के आगे घुटने टेको, या फिर ये फैसला लो। हालात मुझे ऐसा लगा, कहा ना आर पार वाली सिचुएशन लग रही है, तो एक्शन एक लेने का बन ही गया है।
चिंता नहीं करो, जो भी मामला आपकी लाइफ में है ना, वो प्रॉब्लम खत्म होगी और एक बहाना है गाइस हकीकत में। बाकी आप अपने भाग्य की खुशी की तरफ ही बढ़ रहे हो, सच्ची कह रही हूँ। स्टार्टिंग के परिवर्तन जो होता है ना, वो इंसान विवश होता है, एक्सेप्ट नहीं होते मालिक, दर्द होता है ना, डर लगता है, लेकिन वही परिवर्तन ना आनंद की अनुभूति करवाते हैं गाइस। वही परिवर्तन ये समझाते हैं कि अच्छा हुआ मैंने समय की मांग को एक्सेप्ट किया, और यही वजह है क्या समय ने मेरी झोली को खुशियों से भर दिया है ना। फिर हम ही वो लोग होते हैं गाइस कि उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी हुआ मेरी लाइफ में ना, बहुत शुभ हुआ। आर्कएंजल राफेल, ये देखो मन आत्मा बॉडी है ना, को पूरी तरीके से हील करना। हीलिंग आ रही है आपके लिए गाइस, हीलिंग आ रही है। कितने सारे एंजल्स का, वो भी आर्कएंजल्स का सपोर्ट है आपके पास। कोई प्रकार की नकारात्मकता आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली है। जो कहा ना, इल्यूजन अगर बार बार आते हैं, भ्रम वाली स्थितियाँ बनती है, डर रहता है चलते फिरते मन में, या फिर एक झिझक गाइस, कुछ भी काम को करने में मनोबल टूटता है, या ऐसा फील होता है कि मेरे पास ना उतना ज्ञान नहीं है, या फिर इतनी हेल्प करने वाले कोई लोग नहीं है, या फिर मैं करूँगी कैसे, करूँगा कैसे, उसकी व्यवस्था अपने आप होती है। जो देखना आइडिया खुद ब खुद आएंगे गाइस, बैठे बैठा है, बैठे बैठा है। या तो कुछ काम होगा नहीं, होगा तो सडन और इतना फास्ट होगा कि थोड़ी देर में वो काम का बन जाना, कुछ ही दिनों में वो काम का बन जाना, यही चीज़ें आपके साथ होगी और आप इतना खुश होगे। मतलब एक एग्जाम्पल आपकी लाइफ में छोटे स्तर पर ऐसा बनेगा आपके सक्सेस को लेकर, उस आधार पर आप समझ जाओगे कि मालिक मुझे क्या कहना चाहते हैं, मालिक मुझे क्या समझाना चाहते हैं, कि हताश नहीं होना है, बस खुश रहने की कोशिश करना है, फिर देखो क्या लाइफ में अच्छा होता है ना। कभी कभी हम मेहनत बहुत करते तब सफलता नहीं मिलती है, और कभी कभी हम उतनी मेहनत नहीं करते लेकिन सफलता अच्छी खासी मिल जाती है ना जी। ये लीडरशिप क्वालिटी है आप में लीडरशिप क्वालिटी है। ये पुकार आपकी, जैसे कहा ना, पुकार है आपकी कि मालिक जस्टिस करो, जो भी सबक लाइफ ने दिए ना, उस सबक को याद रखना, बाकी सिचुएशन को भूल जाओ गाइस, किसने क्या किया है आपके साथ, क्या बुरा किया है, सब चीज़ों को छोड़ दो। कहा ना, अभी तो हमें ना तो गलत इंसान के बारे में सोचना है कि इस इंसान ने गलत किया है, ठीक है, या कितना अत्याचार किया है, कुछ भी नहीं सोचना। आपके दिल में जस्टिस की पुकार है कि जिसने आपकी लाइफ को इतना उलझाया है, ये वर्ड्स हैं किसी के, ये बकायदा वर्ड्स है कि मालिक लाइफ को इतना उलझा कर रख दिया, पहेलियों जैसा बना कर रख दिया, आप सिचुएशन ऐसे इस जगह पर आकर खड़ी है कि इन परिस्थितियों के बारे में लोगों को कहें तो क्या कहें, किसी से सलाह लें तो क्या सलाह लें। एक डर गाइस कि वाकई में ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, उसे आप अनफोल्ड नहीं कर सकते किसी के सामने, वो एक गहरे दर्द भरे और बुरे राज की तरह दबकर रह गया। एक होता है ना कि किसी को अपने पीड़ा को शेयर करना होता है, किसी को एक अपने दर्द को शेयर करना होता है, तभी घुटन बाहर निकलती है। स्थितियाँ वो है ही नहीं गाइस आपके साथ, कि मालिक कैसे किसी को कहें, अगर किसी को कह दे तो कोई फायदा ना उठा ले जाए, है ना, कैसे कहें, कुछ राज दबे हुए तो उन्हें दबे हुए रहने दो मालिक। लेकिन ये घुटन, ये घाव, ये मतलब हरे होते हैं, ये बार बार आपको झंझोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ पास्ट की बहुत बुरी चीजें हैं गाइस, काउंटिंग में है आपके, कुछ चेहरे काउंटिंग में है, एक पल नहीं रहता सामने आने में, उन्हें भूलने की कोशिश करो गाइस, क्योंकि यहाँ एक दो तो लोगों के बारे में नहीं लग रहा, बहुत सारे लोग हैं, एक झुंड है बड़ा सा, है ना। एक बात समझने की कोशिश करना कि एक अकेली जान के पीछे ना, अगर इतना सारा झुंड पीछे पड़ा हुआ है हराने के लिए, यही दिमाग में है ना, और यही स्थितियां चल रही है, केवल मात्र हराने के लिए, केवल मात्र अपने अहंकार को बरकरार रखने के लिए, किसी एक जान को, किसी एक बच्चे को ना घुटने टेकने के लिए विवश किया जा रहा है।
पर वो ईश्वर सब देखते हैं गाइस, सब देखते हैं। वो आपके स्वाभिमान पर कोई आंच नहीं आने देंगे, और जो भी परिस्थितियां बन रही है आपके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए बन रही है। तो चिंता कतई नहीं करना, बस हिम्मत रखना, ठीक है? लेट गो करो, लेट गो। इस वजह से आप अपने कर्मा पर बिलीव रखो, अच्छे कर्मा करो, अपनी मेहनत को कंटिन्यू करो। ये मालिक आपको बनाना चाहते हैं, एक आइडियल बनाना चाहते हैं लोगों के लिए, है ना? और दिमाग में आपको ये नहीं रखना, दिमाग में आपको ये रखना, मुझे अपना काम बड़ी शिद्दत से करना, अपना फाउंडेशन को बड़ा मजबूत करना, अपनी जड़ों को मजबूत करना है, ताकि कोई आपको ना झकझोर ना सके, कोई आपको परेशान ना कर पाए, और बढ़ो लाइफ में आगे, खुश रहने की कोशिश करो। लोग अपने आप देखना आपकी सोच से कनेक्ट होंगे, है ना? और रही बात जिन लोगों ने बुरा कर्म किया है, वो अपना आप भोगेंगे गाइस। छूटता कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपने भी बेवजह के कर्मों के भुगतान किए, या कभी गलती से भी अगर कोई गलती हो गई ना, उसका भी भुगतान किया है। तो आपके साथ आपकी लाइफ को ना इतना जो स्पॉइल किया है, वो लोग कैसे बच जाएंगे, ये थोड़ा आप ना सोच विचार करने की कोशिश करो। अगर आपके दिमाग में आता है ना कि इन लोगों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बार बार ये दिमाग में ना इस तरीके के नेगेटिव थॉट मत लेकर आओ। और प्रार्थना तो कतई मत करना कि इनके साथ ये हो, ये हो, ये हो। क्या पता आप क्या प्रार्थना कर रहे हो, आपको क्या पता किस स्तर पर आपके साथ गलत हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो कोई भी हिसाब किताब है ना, वो मालिक को सौंप दो ना, है ना? हमसे ज्यादा अच्छे से वो जानते हैं कि क्या हुआ है। हमें उनके जजमेंट में, है ना, हमें उनके जस्टिस में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। हमें बस ये कि क्या लाइफ में हुआ है, ये उनको कहकर कि अब आप जानो, ठीक है, मुझे मेरे अपने काम करने हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, आप आगे बढ़ जाओ, अब जो भी फैसला लेना है वो मालिक जाने। पर आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये मालिक आपको इशारा दे रहे हैं। बच्चे को कहता है ना, बेटा आप अपना काम करो, है ना, अब आगे आपके साथ अन्याय नहीं होगा। बस वही हालात है ना? वो आशीर्वाद का हाथ मालिक ने आपके सर पर रख दिया है। तो चिंता कतई नहीं करना, खुश रहने की कोशिश करना। गो विद द फ्लो, ये लो आंसर आ गया आपके लिए। मनी को लेकर चिंतित हो, सक्सेस बहुत बड़ी मिलेगी, ये लो, चीयर अप करोगे मेरे शेर। फोकस करो, जो भी चाहते हो ना वो पा जाओगे। अपने डर से बाहर आने की कोशिश करो, ठीक है? डर से बाहर आने की कोशिश करो। एंग्री बर्ड बनकर नहीं घूमना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं अभी और कभी भी। अब तो सच में ना चेहरे पर शिकन नहीं आने चाहिए, इतना खुश मिजाज होना चाहिए, क्योंकि आप वो उलझे हुए इंसान नहीं रहने वाले हो। अब आप बहुत सुलझे हुए इंसान, जिनके पास हर सवाल का जवाब हो, जिनके पास क्लैरिटी हो। वो यहाँ पर क्या कहा गया है, गो विद द फ्लो। आपको आपको थ्री पक्षी, जब भी आपके दिमाग में बुरे थॉट आते हैं ना, थ्री पक्षी दिखते हैं आपको, या फिर जोड़े में बर्ड दिखता है, या नंबर टू दिखता है कि बेटा सही राह पर हो, और इसी राह पर फोकस करके आगे बढ़ो। और साथ में दिखता है आपको बाज कभी कभी, अभी इन दिनों में, जिसका सेंस क्या है गाइस, कि सही राह पर हो, कोई विरोध करे तो करने दो। आप अपने बारे में सोचो, अभी की स्थितियाँ यही है कि आप अपनी अबंडेंस के बारे में, सक्सेस के बारे में सोचो। कोई कितना भी कंपटीशन लगाने की कोशिश कर रहा है, कि जैसे ही आपको थोड़ी सक्सेस मिलती है, वो भी कंपटीशन में आ जाते हैं, या फिर आपके सक्सेस में एक रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं कि इनको ये आगे कैसे बढ़ गए। मतलब जैसे किसी के मन में है गाइस, कि आपको कोई खुशी मिलती है ना, तो सामने वाला इंसान सोचता है कि उनसे ज़्यादा आपको कैसे प्राप्त हो गया। तो एक बार रोकने की कोशिश, किस्मत से ही कंपटीशन है, आपसे नहीं, आपकी मेहनत से नहीं, आपकी किस्मत से कंपटीशन है। तो मालिक ने क्या करा है, देखो ग्रेट फॉर्चून लो, इसमें ही आपको जयपुर दे दिया, इसमें ही आपके फ्यूचर को इतना अच्छा कर दिया। अब किस्मत के साथ कंपटीशन करके बताओ, आपकी मेहनत के साथ कर सकते हैं, आपकी खुशियों में एक बार रोड़ा डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो होगा क्या सक्सेस? नहीं होगा गाइस। यहाँ पर सच कह रही हूँ ना, किसी की ऊर्जा ना यही, कि हर सिचुएशन में इनके साथ कोई ना कोई कृपा हो ही जाती है, किसी प्रकार का जस्टिस हो ही जाता है।
क्योंकि इंसान इस बात से ही दुखी है गाइस। आप चिंता मत करो, आप चीयर अप करो, आपका फ्यूचर जो है, आपका भाग्य जो है ना, आपके लिए चीयर अप वाले मोमेंट लेकर आ रहा है। बस फोकस करो क्या चाहिए लाइफ में, अब भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उससे भटकना मत, चाहे कोई भी स्थिति बन जाए, बिल्कुल मत भटकना। फिर देखो आपके लिए ना मालिक का आशीर्वाद आता है। ठीक है, कोई कितना ही कंपटीशन लगाने की कोशिश करे, पर वही मत करना, आप बस आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बहुत प्यारा मिरेकल आपकी लाइफ में होगा, बहुत बड़ी उलझन से आपको बाहर निकाला जाएगा। गो विद द फ्लो यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल जो समय की मांग है, जिस धारा में समय आपको बहा रहा है ना, बढ़ते चले चलो गाइस, उसमें ही आपकी विक्ट्री है, उसमें ही आपकी जीत का शंखनाद होगा। देखना बहुत कुछ बदल जाएगा, सच में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। बहुत से लोग जो हैं, जो अपने ईगो को लेकर अभी बहुत बुरा बर्ताव आपके साथ कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं गाइस जो एक समय में ना आपसे माफ़ी मांगे, अगर माफ़ी नहीं मांगी ना तो इनके लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा नहीं। चिंता मत करना, लाइफ में आगे बढ़ो, खुशी की तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, सारे डर बाहर निकाल दो गाइस, अब आपके सारे सपने साकार होने वाले हैं। ठीक है, ये भाग्य का साथ जो है ना, ग्रेट फॉर्चून। देखो मुझे कहा ना, ये कार्ड ना अपना अपने पर से ध्यान हटाने नहीं दे रहा है। पक्का आपके रुके हुए काम भी बनेंगे, आपका भाग्य का साथ देखना गाइस 8-8 पोर्टल में है ना। और जितना बन पड़े ना गाइस, जितना भी अपने श्रद्धा के अनुसार, जैसे एक रोटी का भी हो गया ना, तो किसी के लिए व्यवस्था कर पाओ तो करना। ये रोजाना का नहीं कह रही है ना, कभी भी कभी कभार ही कर लो, लेकिन जैसा होता ना कि एक हमारे में इंसानियत सबसे ऊपर रहे, सबके लिए अपनत्व वाला भाव है ना, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना, या कभी कभी ऐसे ही कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे ग्रहों को ठीक करने के लिए मैं उनको दाना डालूं या डॉगी को बिस्किट वगैरह दूं, ऐसा नहीं। निस्वार्थ भाव से कि ये मेरा कर्तव्य है, ये जीव सारे मेरे हैं, प्रकृति से जुड़ जाओ, फिर प्रकृति आपको कितना प्रसन्न करती है वो देखना। सब में अपनत्व का भाव लेकर आ जाओ, प्रेममय हो जाओगे गाइस सच में, और वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है खुशियों को अपनी लाइफ में आमंत्रित करने की, है ना। तो खुश रहो, 8-8 पोर्टल मनी भी लेकर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड मनी, क्योंकि मनी से संबंधित है गाइस। जैसा कहा ना, सडन गेन की प्राप्ति होना, ये अगर रुका हुआ पैसा था तो वो मिल जाना, किसी ने उधार लिया था वो नहीं मिल रहा था तो वो मिल जाना, पैतृक संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद था जो निपटारा नहीं हो रहा था, या कोई होने नहीं दे रहा था ना, तो उसका निपटारा भी हो जाएगा गाइस। ठीक है, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल है, ये अभी का हाल तो ऐसा है गाइस, कोई जस्टिस रुक नहीं सकता, कोई ब्लेसिंग रुक नहीं सकती, कोई मिरेकल नहीं रुक सकता, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अपने शत्रुओं से डरना मत गाइस, उनकी योजनाएं सारी विफल रहेगी। ठीक है, खुश रहने की कोशिश करना, और खुश ही रहना है ये याद रखना। ठीक है ना जी, तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।